दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड यानी बीएचटीसी के एग्जाम फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट 19 अगस्त ही दे रखी है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉरम नहीं भर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ इसका क्या कारण है। जैसे ही हम साला दर्पण की वेबसाइट पर जाते हैं और स्टूडेंट आईडी में जाते हैं, तो यहाँ पर अपने को यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम सर्च यूज़र नेम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपनी आईडी देखने के लिए ज़रूरी डिटेल, जैसे डिस्ट्रिक्ट, कोर्स में डिस्ट्रिक्ट में जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और कोर्स में अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक रहता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ आती है कि यहाँ एडमिशन सेशन में 2019-20 का ऑप्शन ही आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट 2020-21 में रजिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों, ये समस्या है जिसके कारण कि आप बीएचटीसी के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉरम नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पे 2019-20 में अगर हम कैप्चर डालते हैं तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का नाम आता है, फर्स्ट ईयर वालों का नहीं आता। तो दोस्तों, ये एक वेबसाइट की प्रॉब्लम चल रही है जो जल्द ही ठीक